नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रकृति। कोलकाता नाइट राइडर्स के पिछले सीजन के कप्तान श्रेयस अय्यर रविवार को उस समय जमकर झूम उठे जब रिंकू सिंह ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ लास्ट ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर केकेआर को जीत दिला दी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रिंकू ने 21 गेंदों पर 1 चौका और 5 छक्के लगाए और 48 रन की विनिंग पारी खेली। बात अगर श्रेयस अय्यर की जाए तो श्रेयस अय्यर इस साल भी केकेआर की कप्तानी करने वाले थे, लेकिन पीठ की चोट के कारण वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए और लीग के 16वें सीजन में उनकी जगह नीतीश राणा ने कप्तानी संभाली है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मैच के बाद श्रेयस और रिंकू के वीडियो कॉल का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है। इस वीडियो में रिंकू सिंह के लगातार 5 छक्के लगाते ही श्रेयस अय्यर ने डांस करना स्टार्ट कर दिया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2023 के इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 205 रन बनाने थे। आखिरी ओवर में उसे 29 रन चाहिए थे और यहां से कोलकाता के लिए जीत लगभग असंभव नजर आ रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं जब तक आखिरी गेंद ना फेंक ली जाए, कुछ भी हो सकता है। और वह कुछ हुआ भी। उमेश यादव ने यश दयाल की पहली गेंद पर 1 रन लिया और उसके बाद रिंकू सिंह ने एक के बाद एक लगातार 5 छक्के लगाए। ओवर की शुरुआत में गुजरात की जीत पक्की थी, लेकिन गेंद दर गेंद कोलकाता ने जीत के लिए छलांग लगाई और आखिरी गेंद जब मैदान से बाहर गई, कोलकाता और रिंकू सिंह इतिहास रच चुके थे। रिंकू सिंह के लिए हालांकि बॉलीवुड ट्वीट की बरसात कर रहा है, जहां शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर रिंकू की स्पेशल अंदाज में फोटो शेयर करते हुए उनकी जमकर तारीफ की। ट्विटर पर उनकी तारीफों के पुल बांध दिए, जिस पर लोगों के हजारों रिएक्शन सामने आ रहे हैं। यहां तक कि आर्यन खान भी इस मैच के बाद रिंकू की तारीफ करते दिखे। आर्यन के पिता शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्हें बीस्ट कहा। उनकी बहन सुहाना खान ने उनकी तारीफ में स्टोरी पोस्ट की और अर्जुन रामपाल ने लिखा कि ओ माई गॉड केकेआर रिंकू सिंह लगातार 5 छक्के। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।